खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में बेखौफ हुए बदमाश। आपको बता दें कि सुल्तानपुर के कोतवाली क्षेत्र के बनके गांव नूरपुर निवासी किसान नेता राम आशीष वर्मा पुत्र रामकरण वर्मा की अज्ञात हमलावरों ने कादीपुर के सुल्तानपुर रोड निराला नगर आलू की अड़हा की दुकान पर गोली मार कर सरेआम हत्या कर दी। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी बयान में अवगत कराया गया कि थाना कादीपुर क्षेत्र के अंतर्गत बनके गांव निवासी राम आशीष वर्मा पुत्र रामबरन वर्मा उम्र लगभग 55 साल इनके लड़के की दुकान कादीपुर कस्बे में है, वहीं पर बाहर मोटरसाइकिल पर बैठे थे। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा राम आशीष वर्मा के ऊपर फायर कर दिया गया जो इनके सिर पर जाकर लगी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी कादीपुर सहित पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहे, आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मृतक किसान यूनियन का सदस्य है, जिसका नूरपुर बनके गांव में ही धर्मराज पाल श्याम बहादुर वर्मा अमर बहादुर वर्मा एवं राम अरज वर्मा से भूमि विवाद चला आ रहा है, जिसमें एक अभियोगी दीवानी न्यायालय में लंबित है तथा दूसरा SDM जयसिंहपुर के यहां लंबित है। मृतक आज SDM जयसिंहपुर के न्यायालय में संबंधित मामले की पैरवी करके कादीपुर अपनी दुकान पर लौटे थे, जहां यह घटना घटित हो गई। मौके पर स्थिति सामान्य थी, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। परिजनों की तहरीर प्राप्त कर अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। सुल्तानपुर से भोलू जहांगीर की रिपोर्ट। आइए आपको सुनवाते हैं सुल्तानपुर के SP विपिन मिश्रा का बयान। थाना कादीपुर क्षेत्र के अंतर्गत बनके गांव के निवासी राम आशीष वर्मा पुत्र राम वरण वर्मा, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, उनकी कादीपुर कस्बे में एक दुकान है जहाँ वो मोटरसाइकिल पर बैठे थे। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक आज SDM के न्यायालय में कादीपुर अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए हुए थे और वहां से लौटकर अपनी दुकान पर बैठे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक का बनके निवासी ही धर्मपाल वर्मा, श्याम बहादुर वर्मा, अमर बहादुर वर्मा और राम अरज वर्मा आदि से भूमि विवाद चल रहा था। इस संबंध में परिजनों द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। परिजनों की तहरीर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।